हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। सो आज हमारा नैनीताल नेक्स्ट डे और आज लास्ट डे भी है क्योंकि कल हम वापस जा रहे हैं और अभी अभी हमने एक व्लॉग लाइव किया है और अब दूसरा व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आपको यहाँ की हर अपडेट देना ही हमारा काम है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं। हाँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने में इतना टाइम लग गया और हमने अभी तक चाय नहीं पी है, कोई नाश्ता, कोई लंच कुछ नहीं करा है क्योंकि हमें आज बाहर जाके लंच करना था, मतलब ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन ब्लॉग एडिट के चक्कर में सब रह गया। अब ब्लॉग एडिट हो चुका है, मैं रेडी हूँ, देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और शुमारा भी अपनी जैकेट और ये कल हमने शुमारा को दिलाया है, ये जैकेट बहुत ठंड हो रही है और ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है और इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ठंड, तो ये हमने इसके लिए दिलाया है। और शुमारा भी रेडी हो गई, अभी ये नहीं है, अभी ये इस हाल में मैं एडिट करके। और गाइस सबसे बुरी बात देखो, ये देखो निशान देख रहे हो, ये इनके पूरे निशान पड़े अगले ब्लॉग में देखना, ये जो गए थे आप ब्लॉग में भूल के ऊपर बैठा मैं और भाई उसने इतनी तगड़ी तरीके से घुमाया कि ये देखो आप खुद देख सकते हो कैसे निशान पड़ गया मेरे, पूरा निशान पड़ गया इनको, जो कि मैं मना कर रही थी कि मत जाओ लेकिन अरे मुझे देखना था ना वहाँ पे, तुम सुन लो क्या, तो तुम्हारी मुझे देखना था कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है भूल पे बैठने का। मैंने इनको मना किया था कि तुम मत जाना लेकिन ये इन्होंने सुना नहीं और मेरे को बोल रहे तुम भी चलो, मैं पागल थोड़ी ना जाऊंगी अगर ये बैठ जाते तो घूम जाती, मेरे को मैं किसी भी झूले में नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आता। पर कल शुमारा ने भी खूब, और शुमारा मिक्की माउस में शुमारा ने झूला, कैसा लगा शुमारा? शुमारा की इस ब्लॉग में शुमारा एक क्लिप डालेंगे और आप देखना शुमारा ने कितना एंजॉय किया है यहाँ पर। और हाँ, दूसरी बात शुमारा, आज तुम थोड़ी ब्लॉगिंग करोगी ना शुमारा? तुम हाँ, सब लोग बोलते कमेंट में कि मैं शुमारा से बात नहीं करवाती। शुमारा आज बोलो, आप क्या बोलोगी? मेरी मम्मी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बस सब लोगों को लगता है कि शुमायरा को हम बोलने नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी जान है, हम इसको लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, मम्मी को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और उससे ज्यादा अभी भी नहीं आ रही थी, अभी भी जबरदस्ती हमने इसको पकड़ा है कि आओ शुमारा वहां से ब्लॉगिंग कर लो। शुमारा मेकअप का बहुत शौक है, देखो ये देखो अभी भी लिपस्टिक लगा रखी है इसने। So guys, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अब ब्लॉग एडिट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं, अभी रूम भी पूरा ऐसे दिख रहा है। और हाँ, आज का ब्लॉग हमारा रहेगा रूम टूर का, और जो हम कहाँ पे रहते हैं, कौन सा लोकेशन है और हम क्या खाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। और अभी रूम पूरा बिखरा हुआ है, अभी हम जा रहे हैं घूमने, बाहर निकले हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, शाम को आएंगे, फिर उसके बाद रूम सेट करेंगे, फिर आपको रूम टूर देंगे यहाँ का। कल वापसी की हमारे, हम 10 बजे यहाँ से चेकआउट कर लेंगे और फिर आज का व्लॉग भी बहुत मजेदार होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर देखना, आज पक्का आपको रूम टूर मिलेगा। और प्लीज लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा प्यार करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तारी बताओ, ये शुमारा ने कल रिंग ली है और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रिंग इसके ऐसी आ रही है, ये देखो, लेकिन इसने जबरदस्ती ये रिंग ले ली है, इसके हाथ में नहीं आ रही है। हम हो चुके हैं रेडी चलने के लिए और सबसे पहले आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल ना बिल्कुल हम छू लेंगे इतने पास में, लेकिन बहुत ही प्यारा है। आप कभी भी आओ तो नैनीताल जरूर आना, और नैनीताल से अच्छी और कौन सा ऐसी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं आप हमें कमेंट में बताना, हम जरूर कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ खाते हो, चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, सो गाइस अभी यहाँ पर माल रोड का एक चौराहा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ खाने, तो वहाँ पे कल मैंने पता करा था कि कुछ थाली का हिसाब है, 190 का या 180 रुपये का थाली है, तो हम वो थाली जाके देखेंगे, चेक करेंगे कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ माल रोड में कहाँ पर है वो। वहाँ पे वो सामने बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल में, फिर आप देख सकते हो कोरा कैसे उड़ के जा रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं खाने पे, यहाँ पर हमने ऑर्डर की है थाली, वो 190 की पड़ी है हमें, और देखते हैं उस थाली में क्या क्या है, आप
सो हमारी थाली आ चुकी है जिसमें छोले की सब्जी, मिक्स वेज, दाल, राइस और प्याज और ये है रोटी। सो ये हमारी थाली, अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसे। छोले की सब्जी ऐसी है जो शादियों में मिलती है लेकिन अच्छी है। अब मिक्स वेज टेस्ट करो। मिक्स वेज भी अच्छी है, पूरा शादी वाला फ्लेवर है इनके अंदर। दाल में लाइट से टेस्ट है एक दाल राइस नॉर्मल है जैसे हम घर में बनाते हैं। ये हमारी थाली है 190 है। तो पहले हम खा लेते हैं फिर आपको चाय का साथ देते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ दूसरा दिन है और हम इस वाली बोटिंग में जा रहे हैं घूमने। वो वहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास। तो कैसा लग रहा है दूसरे दिन? कल हमने दूसरी बोटिंग करी थी जो हम चला के लेके गए, आज ये वाली बोटिंग कर रहे हैं। ये लोग चलाएंगे लेकिन बहुत दूर तक लेके जाएंगे। तो चलिए जी हमारा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आओ शुमारा, चलो तो जाओ शुमारा कुछ में जाओ। सो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं बोटिंग में। तो ये चलना स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चलना स्टार्ट हो गई है, ये भैया हमें लेके जाएंगे और ये बहुत दूर तक शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ कोई मंदिर है वहाँ लेके जाएंगे और बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। आज हमारा दूसरी बार, हम दूसरी बार बोटिंग में बैठे हैं। कल लेकिन हम लोग खुद चला के ले गए थे, इस बार ये भैया लेके चल रहे हैं हमें। हमारा कोई प्लान नहीं था लेकिन एकदम से देखकर शुमारा बोल रही मम्मी लेके चलो। तो ये भैया चला रहे हैं यहाँ पर। ये पानी तो भैया बहुत गहरा होगा ना? 120। अच्छा आपको ये कितने साल हो गए चलाते हुए? ये अच्छा तैरना आता है आपको? और क्या, ठीक है। अच्छा है। तो यहाँ पे सारे बादल देखो कैसे जा रहे हैं। के आकार में एक झील बन गई, मैं उसको ऐसे आप देखे तो चलो दो तरीके से दिखते हैं, एक लैंड के आकार में, एक मैंगो के आकार में। मैंगो के आकार में। और ये यहाँ नेत्र ग्राम को जब तक नैना देवी का मंदिर की स्थापना उधर पड़ गई और ये झील उनकी जो है नेत्र की होगी, उसकी गहराई का भी कोई पता नहीं। वो इनकी नाव नहीं चल रही खासतौर पर ना, मैं आप लोग नया नया आते हैं, ये पैडल बोर्ड झील के बारे में पता नहीं रहता है। अच्छा हनुमान मंदिर है। हमारा कैसा लग रहा है आपको? है कुछ कहना चाहोगे पब्लिक को? तुम भी झूल लो। Thank you.
ओए कैसा है मैगी यहाँ का? मैगी हमें किसी ने बताया स्पेशल फोन करके कि यहाँ की ना मैगी बहुत फेमस है, तो हम वही खा रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत टेस्टी है। जब मैं घर जाऊँगी ना लास्ट में आपको जितनी भी चीज़ें करें सबकी कॉस्ट बताऊंगी, अभी बस खा लेते हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ का व्यूज देख सकते हो, लोग कहाँ कहाँ तक बोटिंग कर रहे हैं। प्यारा इतना सुकून है यहाँ पर कि चुपचाप बैठे रहो और बस एक कप चाय हो हाथ में और इतना प्यारा नजारा हो, मतलब ऐसा लगता है ना कि जिंदगी यहीं निकल जाए। आप देखिए कितने ओशोमारा ने ये लिया है अपने लिए, और आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। ये हमारे सामने पूरे पहाड़ है, जहाँ जहाँ लाइट जल रही है पूरा, और वो बिल्कुल एंड में भी पहाड़ है, वहाँ से काफ़ी इन्जॉय करा हमने आज। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जाने से पहले रूम टूर दूंगी, तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर था हमारा बेड, ये हमारा बेड जिसको हमने ख़राब कर दिया है सोते, ये बेड था यहाँ पर, ये टेबल था जिसपे हम सामान वगैरह रख सकते हैं, और ये तो रात में जो खाया पिया था उसका ये टेबल था, इस पर एक पानी का जग दिया है, ग्लास दिया है, और साथ में ये लैम्प है प्यारा सा, ये कुछ हमारे रखे, और ये फ़ोन है ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सकें किसी भी चीज़ के लिए, और इधर जाकर ये टीवी दिया है यहाँ पर, LED है, LED के साथ नीचे दिया, और ये है इनका मेन्यू कार्ड, इनका मेन्यू कार्ड है, थोड़ा यहाँ पर आकर यहाँ पर मिनर है जिसमें देखकर हम तैयार हो सकते हैं, और ये छोटे छोटे से दो टेबल है, ये टॉवल दिया गया था, और सबसे अच्छी चीज़ जो इस रूम की थी वो था यहाँ का व्यू। ये देखिए यहाँ पूरा बाहर का पूरा नैनीताल यहाँ से दिखता है, इतना प्यारा व्यू था यहाँ का, आप देख सकते हैं, तो पूरा व्यू यहाँ का जो दिखता है ना, जो नज़ारा वो बहुत ही प्यारा। सो ये जो रूम हमें पड़ा है वो 24 घंटे का 1100 रुपये, हम 2 दिन रहे हैं तो हमारे 2200 रुपये इस रूम में लगे हैं, लेकिन रूम बहुत ही प्यारा है, बहुत कोजी सा है, और यहाँ का जो व्यू है सुबह सुबह उठ के जो व्यू देखने को मिलता है वो बहुत ही प्यारा है। सो आप कभी आइएगा तो देखना यहाँ का, जो मेरी पहली वीडियो, इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें मैंने होटल का नाम वगैरह दिखाया है आपको, तो आप आ सकते हो यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। सो अभी मैं आपको नीचे यहाँ का किचन भी दिखाऊँगी जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है, वैसे हम लोग तो शुमारा की वजह से रूम में ही मंगा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ की सर्विस जो है बहुत अच्छी है, तो अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, चलिए। और ये देखिए ये है बाहर का व्यू, ये हमारा रूम है, और यहाँ पर हम बैठ कर चाय वगैरह पीते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते थे, बहुत ही प्यारा रूम है जी। और ये यहाँ का किचन है, इतना प्यारा है, और अभी तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ का 10:30 का है यहाँ का जो ब्रेकफास्ट टाइम है, और हम उससे पहले ही चेकआउट कर रहे हैं। सो हम नाश्ता तो बाहर करें, यहाँ का डाइनिंग एरिया जहाँ पर हम बैठकर डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये देखिए ये यहाँ का काउंटर एरिया है, ये बाहर का व्यू है यहाँ का, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ ठीक। और ये रहे ये जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी कर रहे हैं चेकआउट की, और हम जा रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब पता नहीं फॉर्मेलिटी ऐसा अजीब सा मन हो रहा है, घर जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 2 दिन में मुझे बहुत मज़ा आया, और अब जा रहे हैं घर। सो आज का जो नैनीताल का व्लॉग है ये ख़त्म होता है, होप आपको अच्छा लगा। सो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा नैनीताल व्लॉग देखकर, मुझे भी बहुत मज़ा आया है, और होटल हमने आपको दिखाई दिया, यहाँ का नंबर हम स्क्रीन पर मेंशन कर देंगे, आप देख लेना,
और बस अब नैनीताल की जर्नी यही ख़त्म होती है। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा प्यार दिया वीडियो को और आगे भी देना। और बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे अल्लाह।